पर्यटन नगरी डलहौजी में रविवार को क्रिसमस की धूम रही। डलहौजी में चर्च ही नहीं बल्कि समूचे शहर का नजारा भी आम दिनों की तुलना में अलग ही देखने को मिला। इस अवसर पर डलहौजी शहर के समस्त गिरिजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं क्रिसमस पर्व का मुख्य आयोजन कैंट में स्थित सेंट एंड्रयू चर्च में किया गया। इस दौरान पादरी परवेज एगबर्ट और आजाद मसीह की अगुवाई में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जिसमें पर्यटकों व स्थानीय लोगों ने भाग लिया और देश दुनिया में अमन शांति प्रेम व भाईचारे की दुआएं मांगी। प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु के बाइबल में लिखे संदेशों को पढ़ा गया। समुदाय के लोगों ने कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु का गुणगान किया, जिसके बाद चर्च परिसर में केक सेरेमनी आयोजित कर केक काटा गया। पादरी परवेज और आजाद ने बताया कि क्रिसमस का बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईसाई समुदाय के लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी, वहीं दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपको बड़े दिन की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सालों की तरह इस साल भी सेंट एंड्रयूज चर्च में क्रिसमस का जो प्रोग्राम है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में प्रेम का संदेश दिया और उसने यही सिखाया कि हमें सबसे प्रेम करना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके और हम लोग एक दूसरे की शुद्धि लेने वाले हो सकें। थैंक यू वेरी मच। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम सेंट एंड्रयू चर्च में मिलके बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस के इस पर्व को मना सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले साल की माने इस साल भी हमने कैरल के द्वारा घर घर जाकर परमेश्वर के नाम को जलाल दिया और लोगों तक खुशखबरी का माध्यम से परमेश्वर का वचन बांटा। परमेश्वर का शुक्रगुजार है कि आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के प्रतीक प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटते हुए प्रेम और स्नेह के साथ हम मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।